सुजोक। सो जब हम एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो हमको चाइनीज का ध्यान आता है, बिकॉज इट इज चाइनीज मेडिसिन और थेरेपी। बट सुजोग इज कोरियन। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कोरियन साइंटिस्ट प्रोफेसर पाक जो जो जे वू। एंड इनफैक्ट उनकी डेथ अभी 2010 में ही हुई है। सो ही हैज वो इंडिया भी काफी साल रहे, और इसीलिए इंडिया में अगर आप देखें तो सुजोग का बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ है इंडिया के अंदर, स्पेशली एक्यूप्रेशर ऑल्सो क्वाइट अ लॉट इंडिया में है, बहुत जगह पे सिखाया भी जाता है। तो बेसिकली कोरियन जब वर्ड जो सुजोक है, अगर एक्यूप्रेशर भी आप देखें तो एक्यूप्रेशर भी दो वर्ड्स का वर्ड है, एक्यू और प्रेशर। सो एक्यू इज पॉइंट एंड प्रेशर इज व्हेन यू अप्लाई अ पॉइंट, प्रेशर ऑन अ पॉइंट। सेम वे सुजोक जो है दैट ऑल्सो मीन्स हैंड एंड फीट। सो बेसिकली क्या है कि एक्यूप्रेशर, सिंस इट वॉज डन ऑन द होल बॉडी, वी हैव मेरिडियंस द एनर्जी लाइन्स विच पास थ्रू अ होल बॉडी। देर आर 14 मेरिडियंस। इनफैक्ट अब तो साइंस, अर्लियर इट वॉज मोर लाइक कि भाई पीपल डिंट रिकोगनाइज इट, वॉट इज इट मेरिडियन एंड ऑल। नाउ इवन द साइंस और द डॉक्टर्स, द मेडिकल फेटर्निटी ऑल्सो इज यू नो रिलेटिंग टू इट। तो जब हम हाथ, उन्होंने ऐसा देखा कि जो हाथ है, अगर हम अपना हाथ देखें और हमारे पैर देखें, तो हमारी पूरी बॉडी जो है, हैंड इज सिमिलर टू द बॉडी, हैंड एंड द लेग्स ऑल्सो। सो दैट्स वाई उन्होंने सारे जो ट्रीटमेंट जो हम करते हैं सुजोग में, इंस्टेड ऑफ हमारी पूरी बॉडी पे जैसे कि मेरिडियंस पे प्रेस करने के बजाय, इनफैक्ट मेरिडियंस आर ऑल्सो ऑन द हैंड्स एंड द लेग्स, तो उन्होंने सारे जो ऑर्गन्स हैं वो हम यहाँ पे अपने पूरे उनके कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट्स हैं। और जब हम जैसे अगर हम यहाँ प्रेस करते हैं तो ये अगर लंग है तो वी इट्स नॉट कि लंग यहाँ पे आ गया है, लेकिन लंग का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, जब हम यहाँ प्रेस करते हैं उसका रिजल्ट हमारे लंग के ऊपर होता है, लंग में जो भी प्रॉब्लम है। तो अलग अलग तरीके हैं हमारे हाथ को और पैर को प्रेस करने के, बट इसमें ये थेरेपीज में मसाज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड मसाज की इम्पोर्टेंस मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके देखी, जबकि यहाँ पे एक्यूप्रेशर इज नॉट यूज सो मच और सुजोग इज नॉट यूज सो मच, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि लॉट ऑफ मसाज थेरेपिस्ट आ दे। आप कोई भी मॉल में चले जाइए, वहां पे आपको मसाज थेरेपिस्ट देखेंगे। और लोगों को जरा भी पेन होता है, इफ दे हैव अ नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, दे डोंट गो फॉर द मेडिसिन, वो मसाज थेरेपिस्ट के पास जाएंगे। एंड द मसाज थेरेपिस्ट डज अ रियल स्टिफ मतलब काफी हार्ड मसाज ऑन दीज पार्ट्स। ऑफ कोर्स देर इज ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाजेस, रेमेडियल मसाज एंड ऑल दोज काइंड ऑफ मसाजेस आते हैं विच आर हाईली क्वालिफाइड, और वो क्वालिफाइड पीपल थेरेपिस्ट आते हैं। तो ये हमारी कंट्री में ऑफकोर्स हम बच्चों का मसाज करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तभी हम करते हैं, प्रेगनेंट वुमेन लोगों का होता है। बट जितना यहाँ मैंने देखा है कि मसाज का यू नो थेरेपी इज वेरी पॉपुलर एंड पीपल आर यूजिंग स्पेसिफिकली फॉर प्रॉब्लम्स, कि मतलब मुझे नेक है तो मुझे नेक में पेन हो रहा है बहुत, तो आप मसाज करेंगे तो नेक पेन दूर हो जाता है, हेडेक। जबकि आप कई चीजें जो देखें वो एक्चुअली इंडिया से आई है, जैसे चंपी लगाना बाल को ये करना, तो ये सब इंडिया से ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये सोचा कि नहीं ये सब जरूरी नहीं है। बट आयुर्वेदा में यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट ऑयल मसाजेस एंड ऑल। सो ये इवन इसमें सुजोग थेरेपी में जो है मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द हैंड। और हमारे पास अलग अलग तरीके हैं मसाज करने के, यू हैव दीज काइंड ऑफ रिंग्स जो आपने देखा होगा, एक्यूप्रेशर की सुजोग रिंग्स बोलते हैं इनको। सो ये आप बेसिकली हर एक थंब पे, और दे आर नॉट कि भाई आप इसको छोड़ दो ऐसे, दे आर नॉट फॉर वेयरिंग रिंग्स, लेकिन ये बेसिकली ऊपर से नीचे उसका एक तरीका होता है, उसको 1-2 मिनट तक किया जाता है, हर फिंगर पे हम करते हैं। और सो हम हर एक फिंगर को करते हैं। हम इवन आपको रिस्ट के भी मसा ये मिलते हैं इस तरह बड़े भी, वो भी आप यूज कर सकते हैं।
एंड देर इज ऑल्सो जिम्मीज और थ्रोब्स. सो इस तरह की ये थ्रोब्स मिलते हैं जिनसे हम प्रेस करते हैं. अब हम पर्पस क्या है हमारा, पर्पस है टू फाइंड आउट अ पेनफुल पॉइंट. तो जो हम पेनफुल पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर हमको बॉडी हम पूरे हाथ में भी पूरी जगह पे प्रेस करेंगे, कुछ जगह पे पेनफुल पॉइंट्स हमको मिलेंगे, लेकिन उसमें से हमको फाइंड आउट करना है सबसे ज्यादा मोस्ट पेनफुल पॉइंट जिसमें आदमी को आह करके आवाज आ जाए. आर पर्पस इज नॉट टू हर्ट द स्किन और दिस थिंग, लेकिन जब तक वो पेनफुल पॉइंट, बिकॉज वही पेनफुल पॉइंट है जो क्योर करेगा, मतलब दैट विल हील. सो दैट्स वाई फाइंडिंग द पेनफुल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट वी डू इट थ्रू दीज थ्रोब्स विच यू गेट इन द मार्केट एंड यू कैन बाय. अगर नहीं तो अ पर्सन हु डजंट हैव अ थ्रोब कैन ऑल्सो यूज एनी पेन पेंसिल. ऑफकोर्स वी डोंट हैव टू यूज समथिंग जो हर्ट करे हमारी स्किन को या टेयर कर दे, लेकिन इट शुड हैव समथिंग विच इज नॉट वेरी, मतलब सरफेस शुड बी नॉट वेरी रफ, बट एट द सेम टाइम इट कैन क्रिएट अ प्रेशर. सो इवन आपके ईयरबड्स जैसे आप ईयर क्लीन वैक्स क्लीन करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं. कुछ लोग मैच स्टिक्स भी यूज करते हैं. सिर्फ आपको ये देखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ को वो काटे, बट दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग. सो वी आर यूजिंग दैट. सो इसमें जो चीजें हैं जो यूज की जाती हैं, जैसे सीड थेरेपी विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सुजो. सो यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, डिफरेंट, पर दीज सीड्स आर वंस विच आर अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, जो आपको घर पे आपके आपके क्या बोलते हैं, इमाम दस्ता बोलते हैं, या आपके जो जिसमें आप सारे अपने मसाले रखते हैं, जैसे मेथी है या आप काली मिर्च है आप, उसी तरह से आपकी लेंटिल्स में आप जैसे आप राजमा यूज करते हैं या हरे मटर यूज करते हैं और फ्लैक्स सीड्स यूज करते हैं. सो बहुत सारे सीड्स. सो सीड्स का जो कनेक्शन है वो बेसिकली कि सीड्स जो है दे हैव अ सोल, अ प्लांट हैज अ सीड हैज अ सोल. सो जो सीड है, सीड से लाइफ होती है. अगर आप एक सीड पानी में करेक्ट एनवायरनमेंट में डालते हैं, मिट्टी में, तो और उसको पानी देते हैं और उसको सनलाइट मिलती है, तो वो उससे एक ट्री पैदा होता है. तो वो सीड जो है उसमें एक लाइफ है और उसमें कैपेसिटी है टू कनेक्ट. तो हमारा जब हम सीड्स इनफैक्ट यूज करते हैं और लगाते हैं और उसके बाद उसको जब निकालते हैं, तो यू कैन सी द चेंज इन द सीड. So that shows that it has somewhere absorbed our negativity. It has taken away our pain, right? So there are different things which are used in Sujo. You have seeds, you have magnets, you can use color balls, you can use wires also. And there are things like moxa and silicon cupping therapy. जो उसके एक तरह से एक्सटेंशन है. मोक्सा इज वेरी वाइडली यूज्ड, इट्स लाइक अ सिगार, या एक तरह से आप कह सकते हैं हर्ब से बना हुआ है, जिससे जिसको आप लगाते हो, उसको जलाते हो. सो जब आप उसको मूव करते हो, इट्स लाइक अ हीट दिस थिंग, यू नो, तो उससे गर्माई मिलती है, तो वो उस जगह को. सो बेसिकली सुजोक इज टोटली नेचुरल. इट इज ड्रग फ्री बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग एनी मेडिसिन इन इट. In all the other treatments, आप medicines use करते हैं. Sujok is the only therapy where, of course, it's like if you say Reiki or any other therapies which are energy-based therapies, then you're using the energy. So similarly here, you're also using certain energies of these things, and you're maybe आप magnets use करते हैं. So it has something which has no side effects. ऐसा नहीं होने वाला कि आपने बहुत प्रेस कर दिया तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, यू नो, अनलेस कि भाई आपने मैग्नेट लगाया है तो बहुत टाइम तक लगा हुआ है. अगर आपको इरिटेशन फील हो रही है तो आप उसको निकाल सकते हो. सो हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट ऑन बोथ द लेवल्स, फिजिकल एज वेल एज मेटाफिजिकल लेवल. सो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ सजोग.
बिकॉज हियर आप उसको रिलेट भी कर सकते हो, बिकॉज जो भी आप ऑर्गन्स है वो आपके जो एनाटॉमी है बॉडी की एग्जैक्टली दैट वे यू आर रिप्रेजेंटिंग द सेम. सो हार्ट कैसा लगता है, लंग कैसा लगता है, स्टमक का कैसा शेप होता है, एवरीथिंग इज सिमिलर. ओनली द थिंग इज कि आप उसको, सो द प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स ऑन द हैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको जब आप अपने हाथ पे बहुत बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप अपने पेशेंट के हाथ पे भी एग्जैक्टली समझ सकते हो कि वो पॉइंट किधर आता है.